हेलो फ्रेंड्स, एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं भिंडी, जो कि छोटे बड़ों की सबकी पसंद रहती है। भिंडी को मैंने वाश कर दिया है, पोंछ लिया है सूखे कपड़े से, और भिंडी को ऐसे दो भागों में मैंने कट किया है कैप उतार के। तो देखिए, आप छोटे टुकड़ों में लेना चाहे या ऐसे लेना चाहे, तो उसके लिए मसाले देखिए। टमाटर लिया है मैंने, 3 से 4 गार्लिक ली है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, गरम मसाला 1/2 स्पून जीरा है, धनिया है, मिर्च है 3 से 4, और धनिया पाउडर 1 स्पून है, लाल मिर्च है 1/2 स्पून तीखी वाली है, 1/2 स्पून से कम हल्दी है। तो ऐसे सिंपल मसालों से भी आज चटाकेदार भिंडी बनाएंगे हम। तो देखिए करना क्या है, मैं आपको आगे बताती हूँ। जो बच्चे भिंडी नहीं खाते हैं, जब ये आप भिंडी बनाओगे तो उन बच्चों को भी आपसे मांगनी पड़ेगी वापस से भिंडी, कि मुझे भिंडी और चाहिए। तो देखिए, मैं वीडियो खुद शूट कर रही हूँ, आज बच्चे नहीं हैं, ट्राइपॉड टूट गया है, तो इसीलिए मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जो मैंने आपको प्लेट में इंग्रेडिएंट दिखा है, सब मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। इसमें कोई वाटर नहीं डालेंगे हम, बस थोड़ा सा हमें मसाला पीस लेना है, और ये जल्दी ही पीस जाता है एक चर्न में ही। तो देखिए, मसाला पीसने के बाद हमें करना क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ मसाला आगे। तो देखिए, मसाला मैंने पीस दिया, थोड़ा सा खुद ही सॉफ्ट हो गया है मसाला, क्योंकि इसमें हमने वाटर नहीं टमाटर डाला है, टमाटर पानी छोड़ता है। वहाँ कढ़ाई में मैंने 3 से 4 स्पून ऑयल गरम करने रख दिया था, और भिंडी डाल देंगे, और अच्छे से भिंडी को ऑयल के साथ घुमा देंगे। और आपको पता है, सबसे बढ़िया बात ये भिंडी चिपचिपी नहीं बनती है। तो देखिए, पहले आपको ऐसे लगेगा कि चिपचिप है, बट नहीं, जैसे इसमें मसाले जाएंगे और जैसे ये कुक होती जाएगी, एकदम खिली खिली भिंडी बन जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है। तो देखिए, भिंडी हमें अच्छे से मिक्स करनी है, फिर हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक देना है, धीमी आँच पर रखना है सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लेट में मैंने मसाला निकाल दिया है। मैं ये भिंडी आज खिचड़ी के साथ बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ढक्कन मैंने खोल दिया है, फिर एक बार घुमा देंगे। हमारी भिंडी देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। अगर आपको चिपचिपाहट दूर भी करनी है तो आप इसमें 2 बूंद सरसों डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्का नमक छिड़क दीजिए, भिंडी की चिपचिपाहट पूरी गायब हो जाएगी। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे जो हमने मिक्सी जार में पीस लिया था, और भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे कि जैसे सब भिंडी के ऊपर मसाला चढ़ जाए। तो देखिए, ऐसे मसाला घुमा के पूरा अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और धीमी आंच पे ही रखेंगे 5 मिनट के बाद। देखिए, भिंडी का कलर देखिए, भिंडी के मसाले देखिए, कितनी बढ़िया लग रही है भिंडी। आपका मन तो ललचा ही रहा होगा, डेफिनेटली मुझे यकीन है आप ये भिंडी ज़रूर बनाओगे। हाँ, और एक बात, अगर आप टुकड़ों में नहीं बनाना चाहते हैं तो बीच से कट लगा के उसमें भी ये मसाला ऐड करके भिंडी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने प्लेट में निकाल दी है, भिंडी तैयार है। नान के साथ, रोटी के साथ, खिचड़ी के साथ, जिसके साथ चाहिए आप इंजॉय कीजिए। आप एक बार ज़रूर बनाइए, मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगी आपको ये रेसिपी भिंडी की। बहुत सी झट से बनने वाली रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको प्लेट भी दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने प्लेट जो खाने की मैंने रेडी की है, आपको दिखाती हूँ। खिचड़ी के साथ और साबूदाना चकली, पोहा चकली मैंने थोड़ी सी फ्राई की है। तो बस आज सिंपल सा लंच है हमारा, मैंगो लस्सी बनाई है मैंने, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।